तो गाइज अगर आप वैसे बंदे हैं ना जिनको वाइट सूप पसंद है, और अगर आपको पूरा डिटेल में वाइट सूप पसंद है जिसमें कोई दूसरा कलर ना हो, तो इस वाले वीडियो को आप स्किप कर दीजिए प्लीज़। आप जाके हमारे दूसरे वाइट वाले वीडियोस को देखिए जहाँ पे हमने केवल वाइट शूज़ के बारे में बात किया है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं थोड़ा सा कलर ब्लॉग में, जो अपना शू आ जाता है वाइट के साथ आपको थोड़ा सा ग्रीन मिल जाने वाला है, थोड़ा डिफरेंट और अलग तरीके का लुक आपको आने वाला है। तो उस तरीके का शू का हम लोग करने वाले अनबॉक्सिंग रिव्यू, प्राइस बताएंगे और आपको परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सब चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टाइप के शू में तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार विजिट किए तो बहुत बहुत स्वागत आपका, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा, साथ साथ कि जब भी हम वीडियो अपडेट करें आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए सबसे पहले उस जूते को बॉक्स से निकालते हैं, आपको क्वालिटी को पास से दिखाते हैं, उसके बाद डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे। जिंगल वेल जिंगल वेल जिंगल वेल ऑल द वे, मुझे नहीं पता है कैसे गाते हैं बट मैं इसको निकालता हूँ बाहर। रेड टेप रेड टेप रेड टेप, ठीक है फटाफट खोल दूँ, ज़्यादा बात नहीं बनाऊँगा भूमिका। ये अपना कुछ इस तरीके से मिल जाने वाला है, एक चंकी बूट स्नीकर जो है रेड टेप की तरफ से। इसका हमने एक सक्सेसर ऑलरेडी अनबॉक्स किया था जो बेज कलर में था और ये ग्रीन कलर में है, ठीक है। आप मटेरियल देख लो, मैं तो अभी डिटेल से आपको बताऊंगा ही और भी पास से दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे, तो ये जो अपना है प्यू मटेरियल मिल जाता है, प्रोफोरेशन अपने को देखने को मिल जाता है, स्टिचिंग अपने को इस टाइप कुछ देखने को मिल रही है। लेसेस की बात करें थोड़ा सा कॉटन और पोलिस्टर वाले लेसेस है लेकिन लेसेस काफ़ी सॉफ्ट है। यहाँ पर बात करें अपने को चंकी बूट मिलता है, सोल जो है रबड़ का मिल जाता है, आउटर सोल TPR मटेरियल से मिलकर बना हुआ है और इस तरीके से नीचे अपने को डिजाइनिंग मिल जाती है। अपने को ग्रिप काफ़ी अच्छा मिलेगा क्योंकि ये एंटी स्लिप शू है, ये स्लिप नहीं होगा, जो इसका फीचर है एंटी स्लिप है तो उस हिसाब से सही है। नीचे अंदर की तरफ से बात करूँगा तो कुछ नहीं, यहाँ पे ठीक ठाक मिल रही है, थोड़ी और ज़्यादा होनी चाहिए प्राइस के हिसाब से। अगर फोम की बात करें मेमोरी फोम काफ़ी कम्फर्टेबल है, रेड टेप के यहाँ पर अपने को जो टंग मिल रहा है वो भी ठीक ठाक है, थोड़ा और मोटा होता और मज़ा आ जाता, ठीक है। देखो इंसान है, इंसान की जो ख्वाहिशें हैं कभी पूरी नहीं हो सकती, वो कब एक इंसान कभी किसी से खुश नहीं हो सकता है, उसकी जो चाहत है वो बढ़ती जाती है, हमें जितना भी अच्छा मिले हमें थोड़ा रहता है कि और अच्छा मिले। इस तरीके से आप देख सकते हैं टेक्सचर अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, रेड टेप की यहाँ एक HDPE मिल जाती है, हार्ड कोर प्लास्टिक है। यहाँ पर अगर बात करें पीछे की तरफ तो पीछे ये जो मटेरियल है, कन्फ्यूज़ मत होइए, इट्स नॉट लेदर, ये सैटिन मटेरियल अपने को मिल जाता है, ठीक है, ये भी सेटिन है। तो थोड़ा सा केयर अपने को अच्छे से करने की जरूरत है, ग्रीन कलर में थोड़ा सा कंट्रास्ट ज़्यादा मिल जाता है। रेड टेप का यहाँ पे छोटू सा शेर मिल जाता है, लोगो मिल जाता है, मतलब बाकी यहाँ पे अपने को रेड टेप रिटेल में मिल जाता है। थोड़ा सा स्लाइड अपना ग्रे कलर का ये वाला नीचे वाला थोड़ा सा कंट्रास्ट वहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी शू की वजन की बात करें तो थोड़ा हैवी भी है शू, वजन इसमें है अच्छा खासा, थोड़ा सा दमदार शू है, तो जिनको हैवी और भारी शूज़ पसंद है उनके लिए काफ़ी मस्ट हैव होने वाला है। बाकी इसके बारे में हम लोग प्राइस डिटेल पर्पस सब कुछ बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं, तो आप बने रहिए। यहाँ पे एक मैं दिखा दूँ ना, यहाँ पे अपने को एक और प्लास्टिक मिल जाता है जिसके कारण थोड़ी सी प्रोटेक्शन इसकी और ज़्यादा बनी रहेगी। मुझे तो पर्सनली ये शू काफ़ी पसंद है, तो इस ये आई होप आपको भी पसंद है। तो चलिए इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे प्राइस एंड ऑल को। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो हमें ज़रूर एक बार कमेंट करिएगा आप, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो गाइस आई होप आपको अच्छा लगा अनबॉक्सिंग वाला पार्ट, अब आ जाते हैं डायरेक्ट इस शू पर। ये जो जूता है ना अपना, ये है ब्रांड रेड टेप, और आपको पता होगा कि रेड टेप ना ऑनलाइन में काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है इस, और इनके जो मटेरियल होते हैं ना काफ़ी बेहतर होते हैं। अगर प्राइस की बात करें काफ़ी रिजनेबल है, अगर आप दूसरे ब्रांड से कंपेयर करोगे ना उस रेंज में। अगर ये बात करें इसके मटेरियल की तो सोल में अपने को डबल लेयर सोल देखने को मिल जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ग्रे और एक वाइट है। अपने को TPR मटेरियल है नीचे वाला और ये वाइट अपना रबड़ वाला मिल जाता है, थोड़ी सी हार्ड है अपने को यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। अगर ऊपर के मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे प्यू मटेरियल मिल जाता है, परफोरेशंस अपने को देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर कुशनिंग की बात करें तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, कुशनिंग और ज़्यादा होना चाहिए। और नीचे की तरफ के अगर कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट ठीक है। अब बात करते हैं फिट आप में कौन सा आएगा, तो गाइस अगर आप जनरली 10 नंबर पहनते हैं ना तो आपको 9 नंबर के लिए जाना है, जिसके कारण आपको एक्यूरेट फिट आए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा साइज इनका बड़ा रन कर रहा है, तो आपको 9 नंबर की जगह 10 नंबर की जगह 9 नंबर के लिए जाना है, जिससे आपको अच्छा फिट आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा अगर वजन की बात करें ना तो ये जूता थोड़ा सा वजनी भी है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा वजन है
और कंफर्ट की बात करें, जब आप पहनोगे तो आपको कहाँ पे कंफर्टेबिलिटी फील होगा, तो सबसे ज़्यादा आपको कंफर्ट यहाँ पे फील होने वाला और थोड़ा सा हेवी भी आप फील करोगे। यहाँ पे अगर बात करें ना तो इस वाले पोर्शन पे बाइंडिंग काफ़ी अच्छा लगेगा, तो आप इससे हो सके तो ऑल टाइम भी पहन सको, पूरे फुल डे पहनना चाहते तो आराम से पहन सकते, कंफर्टेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। थोड़ा सा हेवी मिलेगा, तो अगर आप हेवी शू और चंकी टाइप के बूट्स आपको पसंद है, स्नीकर्स पसंद है, तो आप इसको आराम से चेकआउट कर सकते। अगर प्राइस की बात करें तो गाइज इसका जो प्राइस है 1769 है अगर आप इस कलर के ले जाते हैं। बाकी अगर आप कलर और साइज चेंज करोगे ना तो आपको 1200 तक इसका प्राइस देखने को मिल जाएगा। मैं बेस्ट बाइक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप वहां से एक बार जरूर चेकआउट करिएगा और अपने लिए जो है साइज है उठा लीजिएगा। अगर आपको साइज़ को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन है कि आपको कौन सा साइज फिट आएगा ना, तो आप संशय मत करिए, हेजिटेशन मत करिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, या हो सके तो हमें इंस्टाग्राम पर हमारे बैनर पर जाके DM करिए, मैं वहाँ पर आपके लिए जो बेस्ट साइज होगा कौन सा आपको फिट आएगा रिकमेंड कर दूंगा। बाकी कंक्लूजन पे आते हैं ना, तो गाइज इसके लिए जो आप प्राइस पे करोगे ना ये काफ़ी वर्थ होने वाला, 1500-1700 जो भी है आप एक बार इन्वेस्ट करोगे, लेकिन आप इसको काफ़ी लंबा यूज़ करोगे, आप इसको काफ़ी लंबा यूज़ कर सकेंगे, कोई आपको रिग्रेट नहीं होगा। आप इसको डिफरेंट तरीके से स्टाइल भी कर सकते हैं, व्हाइट काफ़ी मेजर पार्ट में मिल जाता है, थोड़ा सा ग्रीन मिल जाता है, तो आपको थोड़े से कलर ब्लॉकिंग टाइप के अगर आउटफिट बनाने हो ना, थोड़े से ब्राइट टाइप के कलर्स के साथ आराम से इसके साथ आप जा सकते हैं। आप कॉलेज में रॉक कर सकते हैं, पार्टी में नॉर्मल रॉक कर सकते हैं, नॉर्मल जो अपने सोबर टाइप के स्मार्ट कैजुअल आउटफिट है उसके साथ भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। बाकी आप कुछ भी जानना चाहते हैं शू के बारे में तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, लिंक को एक बार जरूर जाके चेकआउट करिएगा, अगर आपको नीड है परचेज जरूर करिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा जूते के बारे में। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ, तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए अपने 4-5 दोस्तों के साथ। गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रान, अलविदा, मसलमा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट आर माय लवली फ्रेंड्स।